नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसानों की अपनी यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर की पाठशाला में और मैं हूँ आपका किसान दोस्त डी पटेल। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको जॉन डियर ट्रैक्टर में ये जो काले रंग का बटन दिया है जिसको जॉन डियर ने प्री सिलेक्टर नॉब ऐसा नाम दिया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके क्या क्या यूज़ है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो इससे आपके ट्रैक्टर पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इस नुकसान से आप अपने ट्रैक्टर को कैसे बचा सकते हैं, यही सारी बातें हम वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखते रहेगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी दबा देना ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोज़ तुरंत मिल पाए। तो चलिए किसान भाइयों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपको काले रंग का बटन दिख रहा है इसका नाम है प्री सिलेक्टर नॉब और इसका यूज़ क्या है। तो गाइस, इसका यूज़ ये है कि हमारे जो हाइड्रोलिक पंप है उसमें से जो भी ऑयल निकल रहा है उसको आप किस सिलेंडर में भेजना चाहते हो इसको सिलेक्ट करने के लिए ये नॉब दिया गया है। यानी कि इसको आप टाइट कर दोगे तो आपका जो हाइड्रोलिक पंप में से जो ऑयल निकल रहा है वो आपके कल्टीवेटर को ऊपर नीचे करेगा, यानी कि जो आपके लोअर लिंक है उसमें ये प्रेशर जाएगा। इसको आप पूरा टाइट कर दोगे तो, और इसको आप पूरा खोल दोगे तो आपका जो हाइड्रोलिक पंप है वो पूरा ऑयल का प्रेशर इस पाइप में देना शुरू कर देगा। यानी कि आपका जो लोअर लिंक है वो नीचे ही रहेगा और वो ऊपर नहीं होगा, और आपका जो ये QRC कपलर है उसके द्वारा जो भी आपका इम्प्लीमेंट कनेक्ट है उसके सिलेंडर को ऊपर नीचे करेगा। यानी कि आपकी जो ट्रॉली है वो यहाँ पर अटैच हुई है तो वो काम करना शुरू कर देगी। तो गाइस, इसका मैं आपको छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। देखो, हमारा ट्रैक्टर चालू है और हमारा ये जो प्री सिलेक्टर नॉब है जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तब ये पूरा टाइट हो जाएगा। ये देखो, मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया है और ये अब घूम नहीं रहा तो ये पूरा टाइट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसको टाइट करने से हमारे ट्रैक्टर के अंदर हाइड्रोलिक के अंदर जो सिलेंडर लगा होता है वो चालू हो गया है और हम जब अपने लीवर को ऊपर करेंगे तब हमारा कल्टीवेटर ऊपर होगा। ये देखो, हमारा कल्टीवेटर ऊपर और नीचे होगा बराबर, और हम जब इसको पूरा खोल देंगे, अब देखो मैं इसको खोलता हूँ, इसको मैंने पूरा खोल दिया है तो मेरा अब मैं उसको ऊपर करूँगा तो मेरा कल्टीवेटर ऊपर नहीं होगा और यहाँ पे जो हाइड्रोलिक के यहाँ पर जो पाइप लगाई होती है वो अगर ट्रॉली इसमें जोड़ी होती तो ट्रॉली ऊपर नीचे होगी। अभी मैं इसको दिखा नहीं सकता क्योंकि हमारी ट्रॉली अटैच्ड नहीं है। तो गाइस, अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ। इसके फ़ायदे, सबसे पहले तो फ़ायदा ये है जब आप अपनी ट्रॉली के ऊपर अपने ट्रैक्टर को बार बार मिट्टी काम कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ काम कर रहे हो, जब आप अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो आपके जो लोअर लिंक है वो ऊपर नहीं होगे, यानी कि आपको जो पट्टी होती है, जो पाटा हम इसको बोलते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो लोअर लिंक ऊपर होगे ही नहीं और उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो आपका पाटा है वो क्या, कई बार क्या होता है, पाटा ऊपर करने से हमारे जो ट्रॉली है वहाँ पर अड़ जाता है और हमारा जो पाटा है वो ख़राब हो जाता है। कई बार इसको लोअर लिंक को भी नुकसान होता है क्योंकि हमारा जो ट्रैक्टर होता है वो मिट्टी काम में जब हम इसको चलाते हैं तो मिट्टी काम में क्या होता है कि हमें ट्रैक्टर को चलते वक्त मोड़ना भी पड़ता है और कई बार ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं या फिर जो ढलान आ जाती है तो उस समय क्या होता है कि हमारे जो लोअर लिंक और जो पट्टी लगाई होती है वो हमारी ट्रॉली को टकरा जाती है और टकराने से हमारी लोअर लिंक को भी नुकसान होता है, हमारी जो पट्टी होती है वो भी मुड़ जाती है और हमारी जो ट्रॉली होती है उसके नीचे भी डेंट पड़ जाते हैं। तो ये सारा फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अलग अलग इम्प्लीमेंट पर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ये आप मैंने आपको ट्रॉली का एग्जांपल दिया है और अलग अलग इम्प्लीमेंट पर आप इसको अलग अलग यूज़ कर सकते हो और अलग अलग फ़ायदे ले सकते हो। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये देखो, ये जो हमारा हाइड्रोलिक पंप है उसमें से जो ऑयल निकलता है, ये देखो इसकी जो पाइप है ये वाली, ये पूरी पाइप जो इधर होके
यहाँ से जा रही है, ये देखो ये वाली पाइप है, और ये पाइप कहाँ जा रही है देखो, ये वाली पाइप है, और ये पाइप यहाँ पे इस कंट्रोल वाल में जा रही है देखो, ये वाली पाइप है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी पाइप है वो, यानी कि जो हाइड्रोलिक पंप का जो प्रेशर है वो पूरा इस कंट्रोल वाल में आ रहा है। ये जो कंट्रोल वाल है वो पूरे सिस्टम को चलाता है, यानी कि हम जब इसको पूरा टाइट करके रखेंगे तो हमारा कल्टीवेटर, प्लाउ, जो भी इम्प्लीमेंट्स हमारे जो लोअर लिंक से जुड़े हुए हैं वो काम में ले सकते हैं। तो कई किसान भाई क्या करते हैं कि इसके ऊपर ध्यान नहीं रखते और इसको थोड़ा सा खोल कर चलाते हैं, या फिर पूरा खोल के या थोड़ा सा ही टाइट करके रखते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा प्रेशर है हाइड्रोलिक पंप में से जो प्रेशर निकल रहा है वो पूरा हमारा सिलेंडर में नहीं जाएगा, उसको आगे रास्ता अटक जाएगा, यानी कि इसका रास्ता आप बंद कर दोगे तो इसमें दबाव पड़ेगा, हाइड्रोलिक पंप खराब हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं, ये जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप जब भी कल्टीवेटर में उपयोग करें तो इसको पूरा टाइट करके रखें, और टाइट कर दोगे तो आपका जो अंदर वाला सिलेंडर है वो काम करना शुरू कर देगा, और आपका जो कल्टीवेटर है, प्लाउ, हैरो, जो भी आप इम्प्लीमेंट चलाते हैं वो आप यूज़ कर पाएंगे। और इसको आप ट्रॉली में चलाना चाहते हो आप इसको तो पूरा खोल देंगे तो आप इसको ट्रॉली में चला सकते हो। और एक थोड़ी सी छोटी सी एडवाइस है, जब भी आप कल्टीवेटर पर चलाएं तो इसको पूरा टाइट करके एक चूड़ी आपको थोड़ा सा खोल देना है। एक चूड़ी आप जब खोलोगे तो इससे होगा क्या कि जो आपका जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो पूरा इंटरनली तो काम करेगा, लेकिन जो हाइड्रोलिक पंप वाली जो पीछे पाइप जाती है वो भी थोड़ी सी खुली रहेगी। तो इससे क्या होगा कि जब भी आपके जो लोअर लिंक है वो कहाँ अटक जाएगी या फिर कुछ भी नुकसान हो सकता है उससे आप थोड़ा सा बच सकते हो। तो ये जो आपको प्रो टिप मैंने बताई है वो आप ज़रूर अप्लाई करें, और इसको समय समय पर चेक करते रहे। आपके जो बच्चे यहाँ पर ट्रैक्टर पर बैठे रहते हैं वो कई बार क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, या फिर आपने किसी को भी ट्रैक्टर दिया है वो इसका यूज़ ट्रॉली में करेगा या फिर किसी भी काम में करेगा, तो इसको आप ज़रूर चेक करते रहे समय समय पर, और टाइट ही रखे, टाइट करके थोड़ा सा एक चूड़ी खोल दे, और कल्टीवेटर और सभी इम्प्लीमेंट्स पर ऐसे ही यूज़ करते रहे। और जब भी आपको ट्रॉली की ज़रूरत पड़ेगी उसी ट्रॉली में ही इसको आप खोल सकते हैं, जिससे आपका जो हाइड्रोलिक पंप है और इंटरनली जो भी पार्ट्स है उसको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो इस नुकसान से आप ऐसे बच सकते हैं, अपने ट्रैक्टर को बचा सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो के बारे में जो भी आपका सवाल हो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूंगा। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।